ये दाल मखनी बनाने के लिए और सामग्री तैयार है। घी, क्रीम, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, अमूल मक्खन और टमाटो प्यूरी, और साथ में ये उबला हुआ काली दाल, काली उड़द की है। अब यहाँ पे बर्तन में घी डाला जा रहा है सबसे पहले, और घी जैसे गर्म होता है, गर्म होने के बाद जो है इसमें अभी जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला जाएगा, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट अभी डाल दिया गया। इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे, भूनने के बाद इसकी जो थोड़ा सा स्मेल है जिंजर गार्लिक का वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद इसके अंदर अभी मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला जाएगा, ये देखिए, और थोड़ी देर फिर जो है इसको भूना जाएगा। भूनने के बाद अभी इसमें टमेटो प्यूरी जो हमारे पास है वो इस पर डालेंगे, टमेटो प्यूरी, और फिर इसे थोड़ी देर भूनेंगे। भूनने के बाद जो है हमारे पास जो उबली हुई दाल है पहले से जो हमने बॉयल करके रखा है काली उड़द की, वो इसमें जो है अभी डालेंगे। ये उबली हुई दाल है, ये जो आप दाल मखनी देख रहे हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में लमसम 2 किलो के लगभग में ये बनाई जा रही है। होटल रेस्टोरेंट में जो हम दाल मखनी खाते हैं जो बहुत मज़े की बहुत स्वादिष्ट होता है, इसके पीछे जो है ये रीज़न होता है, काफ़ी वक्त लगता है इसमें। दाल मखनी को एक दिन पहले जो है भिगो करके फिर उसे रात भर चारकोल पे पकाया जाता है, कहीं तंदूर पे रखकर पकाया जाता है, और नहीं तो कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल में चूल्हे पे भी। ये काफ़ी देखिए अमूल का मक्खन इसमें जो है डाला गया है, और ये फिर से अमूल का मक्खन 1 किलो के लमसम में, 1 किलो अमूल की मक्खन, आधा किलो घी, और फिर इसमें अभी थोड़ी क्रीम डाला जाएगा थोड़ी देर पकने के बाद। एक लीटर के करीब अभी जो इसमें क्रीम डाला जाएगा, और ये दाल मखनी देखिए किस तरह से उबल रही है, देखिए क्रीम डाला जा रहा है, और फिर इसे जो है पकाया जाएगा। होटलों में हमेशा जो है दाल मखनी चूल्हे पे रेस्टोरेंट में चढ़ी हुई होती है सिकड़ी पे, आप जब ऑर्डर देंगे तो उस वक्त जो है सर्व किया जाता है। तकरीबन इसका प्रोसेस जो है होटल के अंदर एक दिन पहले से किया जाता है प्रिपरेशन, और 10-12 घंटे के करीब जो इसे पकाया जाता है, अगर अच्छी तरह से आप दाल मखनी पकाना चाहेंगे तो। ये देखिए नमक सॉल्ट स्वाद अनुसार डाला जा रहा है, फिर उसके बाद कसूरी मेथी क्रश करके जो है वो इसमें डाला गया, और ये गरम मसाला पाउडर थोड़ी सी, और फिर इसे काफ़ी देर तक जो है ये उबाला आने के, ये उबल रही है बहुत तेज़ आंच में, फिर इसे स्लो करके फिर इसे पकाया जाएगा काफ़ी देर तक। अब देखिए ये जो है बनकर गाढ़ी हो चुकी है दाल, बनकर तैयार हो गया है, अब ये पिकअप के लिए रेडी है, लेकिन ये हमेशा चूल्हे पे ही इसी तरह से चढ़ा रहेगा। ये देखिए पिकअप हो रहा है दाल मखनी, ये इस तरह से रेस्टोरेंट में होटल्स में जाते हैं तो हमें सर्व किया जाता है,
ये देखिए अब इसके ऊपर जो है गार्निश किया जाएगा, ये क्रीम है और बहुत प्यारा गार्निश। इसके ऊपर जिंजर जो है और मक्खन ऊपर से डाला जाएगा। ये जिंजर है शेफ़ के हाथ में और ये जिंजर को साइड में डाल दिए। अब ऊपर से इसके ऊपर मक्खन डाला जाएगा और ये